नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होकर के अपने बयान दर्ज कराए और शर्लिन ने अपने बयान में राजकुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट और शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते में बहुत खुलासा बड़ा वाला किया है, काफ़ी विस्तार से बात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट भी किया था। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। राज इस समय 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और निचली अदालत ने 28 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शर्लिन ने अपने बयान में कहा कि राजकुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर के तीखी बहस उन दोनों के बीच में होती है और वो उनके घर आया था और शर्लिन ने यह भी आरोप लगाया कि राज उनसे जबरदस्ती करने लगा जबकि वो इसके लिए मना करती रहीं। शर्लिन ने राज से कहा कि वे शादीशुदा आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और बिजनेस की जिंदगी को निजी जिंदगी के साथ वो नहीं मिक्स करना चाहती, जिस पे राज ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनका रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वे ज़्यादातर घर में तनाव में रहते हैं। शर्लिन को पहले ही मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 2020 में आर्म्स क्राइम के खिलाफ दर्ज FIR में आरोपी के रूप में पेश किया था। क्राइम ब्रांच ने उन्हें 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में बयान दर्ज करने के बुलाया था, जिसके बाद से उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि राजकुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर है उन्हें। अदालत ने 28 जुलाई को गिरफ्तारी के खिलाफ शर्लिन को अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है। आप वो बातें भी जानना चाहेंगे जो शर्लिन के बयान की खास बातें हैं। मार्च 2019 में शर्लिन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम के साथ एक समझौता किया था जिसके फाउंडर राजकुंद्रा थे। शर्लिन ने आर्म्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था क्योंकि वे मौजूदा 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लेकर के कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ऐप पर मौजूद कंटेंट हटाने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी भी इंटरनेट पर है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान शर्लिन ने ऐप के लिए कुछ वीडियो शूट किए थे, उनमें से एक चॉकलेट वीडियो के बारे में साइबर पुलिस ने पूछताछ की थी। शर्लिन बोली कि उस समय आर्म्स प्राइम के क्रिएटिव हेड के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। चॉकलेट वीडियो अंधेरी के एक होटल में शूट किया गया था। वीडियो शूट के बारे में चोपड़ा ने कहा कि उसने कहा था कि मैं अपना संकोच त्याग दूं और हॉलीवुड मॉडल की तरह खुल के सामने आऊं। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को ये बताया कि मार्च 2019 में राजकुंद्रा ने शर्लिन ऐप के आइडिया के साथ अपने बिजनेस मैनेजर को उनके पास भेजा था। बिजनेस मैनेजर ने कहा था कि जो कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं वह मुफ्त है, लेकिन एक कस्टमाइज ऐप के ज़रिए वो पैसा कमा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि आर्म्स प्राइम और राजकुंद्रा के साथ अपने कॉन्टैक्ट के 12 महीनों के दौरान उन्हें किसी भी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वे जानती थी कि इस नेचर के कंटेंट को प्रदर्शित करना कानूनी रूप से दिक्कत वाला नहीं है। तो ये थी राजकुंद्रा से जुड़ी हुई खबर, शर्लिन चोपड़ा से जुड़ी हुई खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।